आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट, जिसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल का फर्स्ट पेपर आपके होता है भौतिक भूगोल। चाहे आप बीएससी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर हैं, चाहे आप प्राइवेट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, भौतिक भूगोल है तो आपके लिए यही सिलेबस है। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, इसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हमने पढ़ा और पहले भाग में हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम इसमें से कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चंस है उनको पढ़ लेते हैं। ये भूगोल का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, यानी 3 लेक्चर वीडियो जो है पढ़ चुके हैं, 3 व्याख्यान हम पढ़ चुके हैं और ये चौथा व्याख्यान है। इसी प्रकार के ज्योग्राफी के पूरे व्याख्यान जो है क्रमवार चलेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी पार्ट है उतने पार्टों के हिसाब से लगभग यानी 40 लेक्चर्स जो है, 40 वीडियो के आसपास जो आपके होंगे, और उसमें ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस आपके हो जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास जो आपके टॉपिक है, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपके लिए मोस्ट बनते हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि मोस्ट बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि भूगर्भिक समय मापनी किसे कहा जाता है। भूगर्भिक समय मापनी जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के भूवैज्ञानिक इतिहास को भूगर्भिक अथवा भूवैज्ञानिक समय मापनी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है, पृथ्वी की जहां से उत्पत्ति हुई उससे लेकर के आज तक का जो इतिहास है, इसका जो क्रम है वही भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक समय मापनी कहलाता है। किस महाकल्प की अवधि सबसे अधिक रही है? जो हमने महाकल्प पढ़े थे उन महाकल्पों में सबसे अधिक जो अवधि है वो किसकी रही है, और वो रही है आद्य महाकल्प की अवधि जो है वो सबसे अधिक रही है। आद्य महाकल्प की अवधि सबसे ज्यादा करोड़ों में रही है। पेंजिया का विभाजन किस महाकल्प के दौरान हुआ, कौन से महाकल्प के दौरान, ये जो सबसे पहले ये जो अपना अपनी जो पृथ्वी है इसको पेंजिया के रूप में प्रदर्शित किया गया है, पेंजिया के रूप में बताया गया, तो इस पेंजिया का विभाजन कैसे हुआ, किस महाकल्प में हुआ, और वो आद्य महाकल्प के दौरान ही हुआ था। प्रश्न आ सकता है कि रीढ़ विहीन जीवों का प्रथम बार अभ्युदय किस महाकल्प में हुआ। रीढ़ विहीन यानी ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, रीढ़ नहीं थी, उन जीवों का प्रथम बार जो अभ्युदय या प्रथम बार जो उद्भव कब हुआ, तो वो हुआ था पूराजीवी महाकल्प में। कब हुआ था? पूराजीवी महाकल्प में प्रथम बार रीढ़ विहीन जीवों का अभ्युदय हुआ। हमने जैसे महाकल्प सारे पढ़े हैं, उन महाकल्पों के आधार पर आप इनको देख सकते हो। उनमें यदि आपने वो पहला लेसन पूरा पढ़ लिया तो इसमें आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। प्रश्न आ जाता है कि ठोस भूपटल एवं समुद्रों का निर्माण किस युग में हुआ। समुद्र और ये भूपटल, या यूं कह सकते हैं पृथ्वी का ये भूपटल, है कौन से युग में बना, और वो बना था कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में बना था? कैम्ब्रियन युग में समुद्रों का निर्माण भी हुआ और भूपटल भी बना। समुद्रों में मछलियां जो है वो कौन से युग में उत्पन्न हुई, और वो हुई थी सिलूरियन युग में। कौन से युग में उत्पन्न हुई थी? सिलूरियन युग में उत्पन्न हुई थी। और डेवोनियन युग में, जो डेवोनियन युग है, डेवोनियन युग को मछली युग के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बहुत सारी जैसे मछलियों की जो अलग अलग जातियां हैं वो उत्पन्न हुई, लेकिन सबसे पहले सिलूरियन युग में हुई और डेवोनियन युग को मछली युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाता है कि किस युग को मछली युग के नाम से जाना जाता है, तो वो युग है डेवोनियन युग। कौन सा है? डेवोनियन युग। और सबसे पहले उत्पन्न जो हुई थी वो सिलूरियन युग में हुई थी। सघन वनों की उत्पत्ति किस युग में हुई, ये वन जो है फॉरेस्ट, ये कौन से युग में उत्पन्न हुए, और वो हुए थे कार्बोनिफेरस युग। कब हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में सघन वनों की उत्पत्ति हुई थी। अप्लेशियन पर्वत किस युग में बने, अप्लेशियन पर्वत है वो कौन से युग में बने थे, और वो बने थे परमियन युग में। परमियन युग जो है, परमियन युग में बने थे। बड़े पैमाने पर लावा का प्रवाह किस युग में हुआ, और वो बना हुआ था क्रिटेशस युग में। लावा पृथ्वी से जो बाहर जो लावा है, वो लावा कौन से युग में बना, किस युग में ज्यादा प्रवाह हुआ, और वो हुआ था क्रिटेशस युग में। प्रवाह का मतलब बहना। छोटे स्तनपायी जीवों का विकास किस युग में हुआ, छोटे स्तनपायी जीवों का विकास, और वो हुआ था ट्रियासिक युग में। कौन से में हुआ था? ट्रियासिक युग में स्तनपायी जीवों का, स्तन वाले जीवों जो है उनका विकास हुआ। विशालकाय जंतुओं का विकास कौन से युग में हुआ, और हुआ था जुरासिक युग में। विशालकाय युगों में जैसे डायनासोर है, कौन सा?
जैसे डायनासोर है, इस प्रकार के जो जंतु हुए थे वो जुरासिक युग में हुए थे। वलित पर्वतों की उत्पत्ति कब हुई? वलित यानी गोल, इन पर्वतों की उत्पत्ति कब हुई? और वो हुई थी परमियन युग में। कब हुई थी? परमियन युग में वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। महान हिम काल के रूप में किस युग को जाना जाता है? हिम काल के रूप में कौन से युग को जाना जाता है? और वो जानता है प्लिस्टोसीन युग को। प्लिस्टोसीन युग को हिम काल के रूप में जाना जाता है। इस समय जो है बर्फ का यूं कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा बर्फ का उत्पादन या बर्फ का उद्भव हुआ, और इस युग को प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। आधुनिक मानव का विकास कब हुआ? आधुनिक मानव जो है वो कौन से युग में बना? और वो बना था हॉलोसिन युग में। कौन से युग में? हॉलोसिन युग में आधुनिक मानव का विकास हुआ। वर्तमान समय से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हॉलोसिन युग का आरंभ हुआ था। वर्तमान समय से 10,000 वर्ष पूर्व हॉलोसिन युग का आरंभ हुआ, और हॉलोसिन युगांतर में एशिया और अफ्रीका के विशाल मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई थी। एशिया और अफ्रीका के जो विशाल मरुस्थल है, इनकी उत्पत्ति भी हॉलोसिन युग में ही हुई थी। प्रश्न आ जाता है कि भूवैज्ञानिक समय मापने की इकाइयों के नाम लिखिए। भूवैज्ञानिक समय यानी यूं कह सकते हैं कि अपनी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो समय वो किस में मापा जाता है? एक तो पहला है महाकल्प, महाकल्पों का फिर विभाजन कल्प में, कल्पों का फिर युग में, युगों का फिर युगांतर में। इस प्रकार इनका विभाजन होता है। पहले महाकल्प, महाकल्प करोड़ों वर्षों में, कल्प जो है फिर युग होते हैं, फिर युगांतर होते हैं। ये भूवैज्ञानिक समय मापने की इकाइयां हैं। मानव विकास के क्रम में अलिगोसीन काल का क्या महत्व? अलिगोसीन काल जो है, ओलिगोसीन काल है, वो क्या है? मानव विकास के क्रम में मानव के पूर्वज के रूप में वानर अर्थात बंदर का विकास ओलिगोसीन काल में हुआ था। मानव का पूर्वज जिस बंदर को कहा जाता है, पर बंदर का जो विकास जो है वो कौन से युग में हुआ था? ओलिगोसीन युग में हुआ था। भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी किसे कहा? भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी किसे कहा जाता है? चट्टानों को। किसको कहा जाता है? चट्टानों को भूवैज्ञानिक इतिहास समझने की कुंजी कहा जाता है। चट्टानें जो होती है इनमें बहुत सारे साक्ष्य पाए जाते हैं, और चट्टानों के कालक्रम निर्धारण में जीवाश्मों के विशेष महत्व। यानी चट्टान जो होते हैं, जब जानवर जहां कहीं रहे हैं तो उनके जीवाश्म जो है उन चट्टानों में बने हुए हैं, उस जीवाश्म के आधार पर उनकी आयु काल निर्धारण जो है वो किया जा सकता है। तो भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी जो है वो चट्टान है, उनको कहा जाता है। ब्रिटिश भूविज्ञान के पिता में किसको कहा गया है? ब्रिटिश भूविज्ञान के पिता में डॉक्टर विलियम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर विलियम स्मिथ को भूवैज्ञानिक इतिहास का या ब्रिटिश भूविज्ञान के पिता में कहलाते हैं। वनस्पति और जीवों का अभाव किस काल में रहा? कौन से काल में वनस्पति और जीव नहीं थे? और वो काल था प्रोटेरोजोई काल। प्रोटेरोजोई काल जो था उसमें जीव और वनस्पति नहीं थे। प्रोटेरोजोई काल में ना तो जीव था ना वनस्पति थी। प्रोटेरोजोई महाकल्प के अधिकांश भाग में गैस थी, द्रव था, तप्त अवस्था के कारण जीवन कहीं भी नहीं था। प्रोटेरोजोइक महाकल्प के अंतिम चरण में ज्वालामुखी उद्गार और पर्वत निर्माण कार्य घटनाएं घटित थी। प्रोटेरोजोइक जो महाकल्प का अंतिम समय था, अंतिम समय में क्या है? ज्वालामुखी उद्गार हुए, ज्वालामुखी निकली जिससे पर्वत भी बने थे, और कई इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हुई थी। फेनेरोजोइक महाकल्प का क्या महत्व है? फेनेरोजोइक जीवों एवं वनस्पति के विकास के कारण फेनेरोजोइक महाकल्प का विशेष महत्व है। अपने जीव और वनस्पति का विकास है वो फेनेरोजोइक महाकल्प में हुआ। और फेनेरोजोइक महाकल्प के प्रारंभ में महाद्वीपों पर महासागरों का अतिक्रमण, भूपृष्ठ के अवतलन जैसी घटनाएं घटित हुई थी। और फेनेरोजोइक महाकल्प में मुख्य रूप से लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, स्लेट आदि चट्टाने बनी थी। फेनेरोजोइक महाकल्प जो आया था, फेनेरोजोइक महाकल्प में यानी जीवों की और वनस्पति के विकास के लिए सबसे विशेष महत्व फेनेरोजोइक महाकल्प का था। इसमें इस समय क्या है कि महाद्वीप और महासागरों का उत्पन्न होना, भूपृष्ठ पर जैसे कई तरह के अवतलन जैसी घटनाएं घटित हुई, इसमें जैसे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, स्लेट, चट्टाने ये बनी थी। प्रश्न आ जाता है कि रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल किस युग को कहा जाता है? कौन से युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए? और वो आए थे सिल्यूरियन युग में। कब आए थे? सिल्यूरियन युग में। सिल्यूरियन युग में सबसे पहले आप जानते हैं मछली उत्पन्न हुई थी, तो इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल सिल्यूरियन युग को कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग में सघन वनस्पति की उत्पत्ति किस कारण से हुई? कार्बोनिफेरस युग में सघन वनस्पति की उत्पत्ति हुई वो किस कारण से हुई उसका बताना है। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की
जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र होने के कारण सघन वनों की उत्पत्ति हो गई थी। और कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की जो जलवायु थी बहुत ज्यादा गर्म भी थी और आर्द्र थी, मतलब नम्य भी थी। नमी और उष्णता इन दोनों में जब क्रियाएं हुई तब क्या है कि सघन वन उत्पन्न हुए। और कार्बोनिफेरस युग में आर्मोरिकन भूसंचलन हुआ। आर्मोरिकन भूसंचलन अर्थात भूमि के नीचे जो संचलन हुआ, भूमि में हरकतें हुई, उससे विस्तृत पैमाने पर कोयले की परतें बनने के कारण कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। अब कार्बोनिफेरस युग में कोयले की परतें बनी या कोयले का निर्माण कह सकते हैं, तो इस युग में हुआ, इसलिए इसको कोयला युग भी कहा जाता है। परमियन युग की समाप्ति के समय पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा? परमियन युग जब समाप्त हो रहा था पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव? परमियन युग की समाप्ति के समय पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि के कारण अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क हो गई। यानी परमियन युग जब समाप्त हो रहा था तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से क्या है कि पानी सूख गया, अधिकांश जलवायु जो शुष्क हो गई थी बहुत जल्द। भारत में राजमहल सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण किस युग में हुआ? भारत के जो राजमहल और सिलहट की पहाड़ियां हैं वो कौन से युग में निर्मित हुई? और भारत में राजमहल और सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण जुरासिक युग में हुआ था, जिसमें बड़े विशालकाय जंतुओं का निर्माण हुआ था, उस युग की बात है। पृथ्वी के इतिहास का अंतिम कल्प कौन सा है? पृथ्वी के इतिहास का अंतिम कल्प जो है केनोजोइक है, जिसको नवजीवी कल्प भी कहा जाता है। पृथ्वी के इतिहास का अंतिम कल्प जो है वो है केनोजोइक अथवा नवजीवी कल्प। हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक श्रेणी किस युग में निर्मित हुई? यानी शिवालिक श्रेणी जो नवीनतम श्रेणी है ये कब उत्पन्न हुई? और वो हुई थी प्लियोसीन युग। कब हुई थी? प्लियोसीन युग में हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण हुआ था। पृथ्वी के इतिहास का सबसे नवीनतम युग कौन सा है? पृथ्वी के इतिहास का सबसे नवीनतम युग और सबसे नवीनतम युग है क्वार्टरनरी युग। कौन सा है? क्वार्टरनरी युग, जो कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे नवीनतम युग है। इसमें ये 28 प्रश्न है, इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप समझने का प्रयास करें, इनको अच्छे से आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। इनमें से प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं, यानी छोटे प्रश्न बहुत आते हैं। अब हम लघुतरात्मक और यानी जो निबंधात्मक प्रश्न है वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।